हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी और आपका हमारे राजस्थानी किचन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बाटी। बाटी आप कढ़ी के साथ, दाल के साथ और बैंगन की सब्जी के साथ भी खा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये बाटी दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है और आज हम ओवन में बाटी बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाटी बनाना। बाटी बनाने के लिए हमने 1 से 2 कप आटा लिया है और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अब हम इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे। हम ज़्यादा सूजी नहीं डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें सौंफ नहीं डाली है। और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया को अच्छे से हाथों से मसल के डाल दें, इसका टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो ऑयल की जगह पे घी भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ही डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। और बाटी बनाने के लिए हमें आटे को ज़्यादा ही गीला नहीं करना है, हमें इसे टाइट ही रखना है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही इसे धीरे धीरे आराम से गूंथें। हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा आटा कितना अच्छा लगा है और टाइट भी है। हमें बाटी बनाने के लिए टाइट आटा ही चाहिए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और अब हमारा ओवन गर्म हो गया है और अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारी बाटियां बना लेंगे। और हमने ओवन को गैस पर रख दिया है और गैस को हमने मीडियम आंच पर ही रखा है। जब तक हम बाटियां बनाएंगे तब तक ओवन अच्छे से गर्म हो जाएगा। एक एक करके हमने सारी बाटियां बना ली हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही हैं। और अब हम एक एक करके ओवन में रखेंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। धीरे धीरे आराम से रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। हमारी 1-2 बाटियाँ बाहर रह गई हैं क्योंकि ओवन में सारी नहीं आ रही हैं, तो हम इनको थोड़ी सिकने देंगे। उसके बाद पास पास में करके उन्हें भी डाल लेंगे ओवन में। अब इन्हें धीरे धीरे पलटते रहें वरना ये साइड से जल जाएगी। बाटियों को हम थोड़ी थोड़ी देर में ही हिलाते रहेंगे वरना इनका एक साइड से जल जाती है ये। हमने बाटियों में बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, इसकी वजह से हमें थोड़ी टाइम तक बाटियों को ओवन पे रखना होगा। बेकिंग सोडे से क्या होता है कि बाटियां जल्दी ही फट जाती हैं और अंदर से कच्ची लगती हैं, तो इसीलिए मैं बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहो तो बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। और अब आप देख सकते हो कि हमारी बाटियाँ लगभग सिक गई हैं और ये अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हमें कटोरी में घी लेंगे और एक एक करके सारी बाटियों को उसमें डाल लेंगे और अच्छे से इनके ऊपर घी लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैंने कैसे एक बाटी पर लगाया है और ऐसे ही मैं सारी बाटियों पर लगा लूँगी। आप देख सकते हो मैंने सारी बाटियों में ऐसे ही घी लगा लिया है और अब यह तैयार है हमारी बाटियाँ। देख सकते हो आप कितनी अच्छी दिख रही हैं ये। इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करें और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं।